मैं तब से वेट कर रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है सीजन 4। मैं भी कब से वेट कर रही हूँ, तो अपना रूम कब साफ करेगा? What's up guys, welcome back to the channel। And भाई मुझे पता थोड़े लोग डर जाएंगे because जिस स्पीड से दाढ़ी बढ़ रही है ना और बाल बढ़ रहे हैं, मुझे ना थोड़ी इरिटेशन सी शुरू हो गई है। मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ कि इसको गंजा ना हो जाओ और ये ना हो जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे इमेजिन करो अगर बाई चांस मैं यहाँ से पूरा क्लीन शेव और यहाँ से गंजा हो जाऊँ तो कैसा लगेगा? कितने लोग अनसब्सक्राइब करेंगे कमेंट करके बता देना। और साथ के साथ मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग को वीडियो पसंद आती है, थोड़ा बिजी हो जाते हैं वीडियो देखने में, बट देन वीडियो लाइक कर दिया करो क्योंकि यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मतलब एक लाइक से ना मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ 10% मोटिवेशन मिल जाती है, और ऐसे अगर 10 लाइक आ रहे तो 100% मोटिवेशन होगी। बट इसका ये मतलब नहीं है 10 लाइक दे दोगे, प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को। बट देन जो भी है, अभी एज यूजुअल हमने अपना वर्कआउट खत्म कर लिया, अच्छा से एक शावर लिया है कोल्ड वाटर का। बट देन आज के करंट साइकिल की रेसिपी में हम बनाएंगे नाश्ता। अब नाश्ते में क्या बनाएंगे ये हमें पता नहीं है, बट देन मोस्ट प्रोबब्ली अंडे का कुछ बनाएंगे बिकॉज नवरात्रे खत्म हो चुकी है, नवमी भी खत्म हो चुकी है, तब हम खा सकते हैं अंडे। तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ तो मम्मी मुझे आजकल कह रही थी कि तू रोज कैमरा निकाल के ब्लॉग कर लेगा, क्या करूँ रोज ब्लॉग करके? मतलब क्या कुछ है, बहुत कुछ है करने को। जैसे कि सबसे पहले अपने रूम में चल जा रहा आज क्या हो? हाँ नहीं तो आज रूम में चला है, मैं लिमिट होती है किसी चीज की। आप लोगों ने कुछ जो व्लॉग के शुरू में पीछे जो गन देखा होगा ना, वो आज मुझे लग रहा है साफ भी हो जाएगा। और या तो तू रहेगा या तेरी माँ रहेगी यार जो भी है। तेरे रूम में जाते आई फील लाइक टू रन आउट, और तेरे को दो तीन तीन चार चाटे मार अगर आज तेरा रूम ठीक नहीं हुआ तो मुझे शहनाज वाली फीलिंग आई। बट जो भी है तेरी कट्टी अगर आज तेरा रूम साफ नहीं हुआ, आज इसी बहाने आप लोगों को वार्डरोब टूर देखने को मिलेगा। बट उससे पहले भाई बनाएगा अपना नाश्ता, और नाश्ते के लिए हमने करे हैं 6 अंडे, इसमें से 2 येलो है एंड 4 रेड। खुश हो रही होगी तेरी वुड भी, तेरी वुड तेरी बीवी खुश हो रही होगी। मैंने कहा कौन से बीवी वुड भी, कहीं ना कहीं तो पता चले लॉकडाउन के बीच में रिश्ता वहाँ पे हो गया है वेबसाइट पे ये वीडियो कॉल करके, और मुझे बस लॉकडाउन का सीधा मिलवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी जो भी है हम आपको दिखा रहे थे कि आप ऑमलेट कैसे बनाते हैं, तो इसमें है 6 अंडे का ऑमलेट जिसमें है 2 येलोस और 4 व्हाइट्स, एंड देन वी हैव प्याज मिर्ची। तो भाई का टैलेंट देख रहे हो, तो अगर कोई मम्मी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देना चाहती है तो प्लीज डीएम करके बता सकते हैं। डीएम मेरे को करना, करण को नहीं। ये मजाक था, इसको मजाक की तरह लिया जाए, सीरियसली ना लिया। मैं सीरियस हूं। नहीं नहीं इसको सीरियसली ना लिया जाए, दिस वाज जस्ट अ जोक, लाइट ह्यूमर। ये क्या है? क्या कर रहे हो? हाँ इसको सब साफ करो, पूरा गंद डाला हुआ। ये देख, ये क्या है, यहाँ पे रखते हैं। आज मनी हाइस्ट का एपिसोड। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? खाली तो उसको फेंको तो सही ना यार, गंद डाल लो। एक मिनट बस, अभी मनी हाइस्ट का एपिसोड आना है, वो देखने दो। हाँ देख देख मनी हाइस्ट, और मेरे से बात मत करना जब तक ये रूम नहीं साफ होगा। हाइट्स होती किसी चीज की। ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ना पापा मम्मा के रूम में जाके वहाँ पे मनी हाइस्ट लगाता हूँ बिकॉज़ सीजन 4 क्या हुआ तेरा? क्या हुआ तेरा हाइस्ट हो गया? मेरा हाइस्ट नहीं हुआ, मैं तो मनी हाइस्ट देखूंगा, उसके बाद मैं रूम की सफाई करूंगा। ये सही किया मम्मी ने। तो ये मनी हाइस्ट का सीजन 4 शुरू हो गया, मैं बड़े टाइम से वेट कर रहा था कि कब आएगा बिकॉज सीजन 3 को देखे हुए काफी टाइम हो गया था, अब सीजन 4 देखेंगे। क्या हुआ? न्यूज नहीं आ रही, मनी हाइस्ट देखना है यार। मत करो अभी, मत करो, मनी हाइस्ट देखना तो उसके बाद कर दूंगा। करे तेरे को कितने दिन हो गए ये कहते हुए? कितने बड़े दिन हो गए अब कर, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने उठा के टीवी नीचे से बंद कर दूंगा। पहली बार टीवी में भी सीरियस हो रही है कैमरा के आगे। क्या कर रहे हो यार, मत करो ये। जाओ पहले रूम साफ करो। ये बताओ अब ज्यादा कर रहे हो कैमरा के चक्कर में ना, ज्यादा कर रहे हो चक्कर में। नहीं हूं, मैं तब से वेट कर रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है सीजन 4। मैं भी कब से वेट कर रही हूँ, तो अपना रूम कब साफ करेगा? वॉमिटिंग आती तेरे रूम में जाते हुए। बेड पे सोना होता है, बेड में भी सोना है, तो उसकी भी चादर निकली हुई है। ये तो प्रॉपर बिग बॉस बन चुका है यहाँ पे। जाओ अपने रूम में, चलो अपने रूम में लगाओ जाके, मनी हाइस देखो चाहे जो मर्जी देखो, और ये भी अपने कपड़े लेके जा, अलमारी में रखो, कुछ तो सीखो लाइफ में।
चलो कमरा साफ ही करना। गुड साफ तो जा रहा हूँ। तो कहते हैं ना तूफान से पहले एक बहुत अच्छी शांति होती है, ये वो शांति थी और ये वो तूफान हो गया। बिकॉज काफी टाइम से मैं टरका रहा था कि अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, बट देन हम इस चीज को नहीं टाल सकते। अच्छा वाला पूरा कमरा साफ करना पड़ेगा, ये पूरा साफ करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे ना बहुत सारा गंडला। तो इसी बहाने आपको दो नई वीडियोस देखने को मिलेगी। आज वाली वीडियो में हम आपको देंगे अपना वार्डरोब टूर जो आधा कंप्लीट हुआ है, एंड अगली वीडियो में कोशिश करूंगा अगर मैंने जूते साफ कर लिए आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे स्नीकर कलेक्शन। इतनी कोई खास स्नीकर कलेक्शन नहीं है, बट देन ये सारे स्नीकर है जो मुझे काफी पसंद है, मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे पहनता हूँ एक आध को छोड़ के, बट देन बहुत सारे हैं। ये सारे होने वाले 1, 2, 3, 4 रैक्स हैं। तो शुरू के 5 मिनट में हम एक चीज साफ कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को एक ऑब्सेशन बताता हूँ जो मुझे आदत हो रखी है। मुझे ना बॉक्सेस कलेक्ट करने की आदत है, तो ये सारे बॉक्सेस पड़े, तो इसमें मेरे एडिडास के स्नीकर्स के हैं, देन एडिडास, देन नाइकीज, और मेरे कैमरास के, जैसे मेरा 60 Mark II था, देन मेरे बीट्स के हेडफोन्स, 50mm के दो लेंस, फिर ये ना सैमसंग के साथ फ्री आते थे गेयर VR, ये भी मैंने लिए थे। उसके बाद मेरे सारे पुराने कैमरास, मेरा पहला कैमरा D5300, फिर रोड के माइक, फिर फोन S7, फिर 6S, पीछे 80D है, देन ये एलेक्सा है, ये मेरे पास एक ब्रांड न्यू पड़ा हुआ जो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ यूज करूंगा, देन iPhone 11 Max Pro, देन M30, ऊपर G7X Mark II। तो ये सारे ना बॉक्सेस खाली पड़े हुए, बाकी सारी चीजें इधर उधर जा चुकी हैं और गुम हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे आएंगे सारे कपड़े, देन जूते। एक काम करता हूँ, सारा सेट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्लानिंग मेरी कुछ ऐसी खराब हुई, मैंने ना थोड़ा सा अपना शुरू करा और आप लोगों को वो दिखाया, उसके बाद प्रिया आ गई और वो कहती मनी हाइज देखना शुरू करते। मैंने सोचा ठीक है एक एपिसोड देखूंगा उसके बाद आ जाऊंगा, फिर मैं सोचा दो देखता, फिर मैं कहा चार देखूंगा फिर आ जाऊंगा। तो भाई अभी कुछ प्लान ऐसा हुआ कि हमने दोपहर को मनी हाइज देखना शुरू करा और अभी हमने जाके मनी हाइज खत्म करा। बट देन मैं अगर आपको सीजन 4 के मनी हाइज की बात करूं ना, और हाँ वीडियो मत एग्जिट करना, मैं आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, अपने खुशी के लिए देखो, बिकॉज मुझे पता है क्वारंटाइन टाइम है, टाइम पास ऐसे ना कैसे तो करना है। और आप में से जिन लोगों ने सीजन 4 देखे ना कमेंट करके बता देना, बिकॉज मुझे पता है काफी लोग जो फॉलो कर रहे थे ना वो वेट कर रहे थे सीजन 4 का और अभी तक खत्म कर चुके होंगे जब तक ये व्लॉग आ रहा है। बट देन ओवरऑल आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, मुझे ना कुछ हायर एक्सपेक्टेशंस थी सीजन 4 से। तो भाई 2 घंटे के परिश्रम के बाद मैंने ना अपने कपड़े तो सॉर्ट आउट कर लिए, मैंने सोचा आप लोगों को ना थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली कैसी चीजें कहाँ रखता हूँ और क्यों रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर बनाए हैं 3 racks टी शर्ट्स के, तो ये टी शर्ट्स है जो मैं बाहर पहनता हूँ, ये टी शर्ट्स है जो मैं घर में पहनता हूँ या फिर जिम में पहनता हूँ, देन ये टी शर्ट्स है जो मैं कभी कभी पहनता हूँ, और इनमें से ना ये वाली टी शर्ट मैं कभी कभी इसलिए पहनता हूँ। पकड़ हमारी कैमरा पर्सन लतिका सहगल हमारा आज कैमरा पकड़ेगी, तो हम आपको थोड़ा ना आसानी से समझा पाएंगे फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या रखा हुआ है। जड़वी वाली टी शर्ट बाहर पहन के मैंने देखी है तेरी टी-शर्ट। हाँ, तो ये मैंने गोवा में पहनी थी, तो ये गोवा जैसी जगह के लिए ना टी शर्ट बनी है। और साथ के साथ जो मैं बेसिक मतलब जो आप लोगों के वार्डरोब में भी होनी चाहिए ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है या तो ऐसी जिसपे थोड़ा सा टेक्स्ट बना हो। हाँ, ये टेक्स्ट देख के मत जाना क्योंकि मैं रात को पार्टीज में पहनता हूँ। देन ऐसे ना सिंपल कलर होने चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा मैं काफी सिंपल कलर राउंड नेक पे पहनता, जैसे ये ब्लैक हो गया, फिर ये ब्राउन है, फिर ये एक और शेड है, फिर ये भी शेड है, फिर ये भी शेड है। देन यहाँ पे अगेन मैंने शर्ट्स के भी 3 rack रखे हुए हैं, इसमें से ये है जो मैं जनरली ना लिनन शर्ट्स है तो चिल वगैरह ना हो ना कहीं बीच बीच पे तो पहन सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ब्लू लिनन शर्ट है, तो अगर आप लोगों ने ज़ारा वाला व्लॉग देखा होगा ना आपने देखा होगा कि ये शर्ट ली थी, तो ये पार्टीज वगैरह पे पहनता, मैं दुबई में बहुत पहनी थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्राउजर्स की, तो मैं ना एयरपोर्ट्स पे जनरली आप लोगों ने देखा होगा जॉगर्स पहनता हूँ, तो ये वाला जॉगर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। पर इंस्टाग्राम का ना एक पंगा होता है कि एक बार ही पहन सकते, एक से ज्यादा बार पहन नहीं सकते, बट फिर भी अगर मैं फोटो नहीं खिंचवाता मैं ये बहुत रेगुलरली पहनता हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। और ये कौन सा ब्रांड है, ये है कूव से। एंड साथ के साथ डेनिम्स की अगर मैं बात करूँ, 3 basic डेनिम्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो नॉर्मल ब्लू, मेरे पास ब्लू के ना बहुत सारे शेड्स है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ब्लैक और एक व्हाइट, अगर बाकी सब भी नहीं रखना ये 3 basics बहुत है। एंड साथ के साथ विंटर्स अगर खत्म हो गई इसका ये मतलब, ये मैं आपको अपनी फेवरेट्स में दिखाऊं, ये मेरी जो टच शर्ट है काफी फेवरेट है, ये H&M से है। एंड देन ये वाली एक और डेनिम है जो न्यूमेरिक, और ये पता कितने साल पुरानी है, अब जिन लोगों ने ब्लॉग देखा उनको पता है मैंने अपनी 8th या 9th standard में ली थी, अब मैच कर लेना क्योंकि अभी मैं 26 साल का, तो 8th 9th में कितने साल का हो। एंड साथ के साथ अगर एक और जगह की बात करूं, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो है ये 2 rack। तो इस रैक में पड़े हुए हैं मेरे बाइकिंग का गियर, तो इसमें पड़ा हुआ है मेरा जो लगेज बैग जो मैं आज तक यूज नहीं करा बिकॉज मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पे नहीं गया, देन एक मेरा गॉड्स का बैग जो मैं हमेशा यूज करता हूं, देन मेरी जैकेट, एंड देन दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग सीट ताकि इससे अगर लॉन्ग डिस्टेंस जो मैं कभी नहीं करा वो करने में आसानी होगी। देन यहाँ पे है टैंक बैग, एंड देन मेरा ये ट्रैवल बैग है बिकॉज इसमें काफी सारे कंपार्टमेंट है तो काफी आसान होता है, और ये मेरा लैपटॉप बैग अगर मैं कैमरा गियर ज्यादा कैरी नहीं कर रहा तो। एंड देन ये वो वाला रैक होता है जो मुझे शूट करना होता है, जैसे मेरे टेड बेकर का एक शूट रह रहा है,
अब जस्ट बिकॉज लॉकडाउन लगा हुआ तो मैं शूट कर नहीं सकता, तो इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है। एंड अब मैंने एक पिछली वीडियो में अपना एक वर्क स्टेशन दिखाया था, बिकॉज ये ना DIY वर्क स्टेशन, मतलब डू इट योरसेल्फ, कुछ नहीं है, फट्टे लगाए हुए उस पर, ब्लैक पेंट करा हुआ है और कुछ नहीं। एंड देन ये मेरी ग्रीन सोल की चेयर जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, मतलब मैं कम से कम 8-9 घंटे इस पे आराम से मिनिमम बैठ सकता हूं। दो मैं गेमिंग नहीं करता, बट देन गेमिंग का भी मैं सोच रहा हूं यहां पे ना सेटअप वगैरह लगाने की। तो ये मेरे दो हेलमेट्स हैं, ये मेरा HJC का हेलमेट है जो मेरा सेकंड हेलमेट था, एंड देन ये है मेरा एरो का हेलमेट, देन ऊपर है जो मर्सिडीज की मेरी इंट्रो किट आई थी, मेरी MIT यूनिवर्सिटी की डिग्री, देन ये मेरा पहला लैपटॉप है। तो ये ना मेरा फर्स्ट लैपटॉप था, मतलब मेरा नहीं था, पापा ने अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया था तो उन्होंने यूज करने के बाद मुझे दे दिया था, तो मैंने भी इसको काफी टाइम चलाया था। इसकी ना स्क्रीन डैमेज हो गई थी, उस टाइम पे ना ये मेरा फेवरेट होता था, मतलब 15 इंच हाई डेफिनेशन होता था, तो काफी अच्छा था। देन साथ के मैंने अपना प्लेस्टेशन तो आप लोगों को दिखाया हुआ है। एंड आई नो मैंने आप लोगों को फैंसी ब्रांड्स कोई दिखाई नहीं, बिकॉज एक्चुअल मेरे पास कोई फैंसी ब्रांड्स है नहीं और मैं इतना कुछ परचेज नहीं करता, बट देन इस साल ना मैंने सोचा हुआ है, मुझे एक तो स्नीकर का शौक शुरू हो गया है, एंड देन साथ के साथ ना मतलब टी शर्ट्स और अच्छी जो ब्रांडेड होती है ना वो लेने का मन है। लेट्स सी, अगर सब कुछ सही चला तो इस साल अपनी कलेक्शन बढ़ानी शुरू करेंगे, ताकि जो अगले साल आपको वार्डरोब टूर देंगे ना उसमें आपको बहुत यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आई होप आप लोगों को ये वाली कलेक्शन पसंद आए, बिकॉज अगर ब्रांड ना भी देखो ना ये सारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। मैंने जो टी शर्ट्स आप लोगों को दिखाई थी अप्रॉक्सिमेटली 900,000 की रेंज में है, कुछ 600-700 की भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां पे कौन सी अच्छी डील ग्रैब कर सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारा सामान क्या है, ये ना सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है जो ब्रांड्स ने भिजवाया हुआ है, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सामान नहीं है। तो अगर भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे मैं गिव अवे करूंगा, बिकॉज मेरे पास 2-3 ऐसी चीजें पड़ी है जो अभी तक मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करी और एकदम पैक पड़ी हुई है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वहां पे सबसे पहले गिव अवे की अपडेट आएगी, तो प्लीज फॉलो मी देयर। एंड साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के बीच में वो है कि हमें घर बैठना है लॉकडाउन में, प्लीज अभी भी रिक्वेस्ट करो, मुझे लग रहा है थोड़े लोग नहीं फॉलो कर रहे, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाहर मत जाओ प्लीज, सबकी भलाई के लिए ही है। तो सिंस ये 21 डेज का बिग बॉस चल रहा है ना, तो हमें आज बिग बॉस ने एक आदेश दिया है कि हमें 5 अप्रैल को 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए अपनी लाइट्स ऑफ करनी है। एंड बिग बॉस चाहते हैं कि हम कैंडल या फिर दिया जला के या फिर एनी अदर लाइट सोर्स लाइक अ फ्लैशलाइट जलानी है विंडो पे जाके, एंड अपना एक ना यूनिटी दिखानी है जैसे हमने पिछली बार दिखाया था। एंड भाई मैं प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ना पटाखे फोड़ना, ना अपनी सोसाइटी में या कॉलोनी में इकट्ठे होकर ना अच्छे से लाइट फैलाना, उससे कुछ नहीं होने वाला, अपने अपने घरों में रह के ये करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये ना सोशल डिस्टेंसिंग पे इतना ज्ञान नहीं देते, मुझे पता है काफी लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, बट देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, फॉलो इट। एंड इसी के साथ करते हैं हमारा व्लॉग एंड, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव। एंड भाई अगले व्लॉग में कोशिश करूंगा सारे स्नीकर साफ कर सकूं और आपको दिखाऊं। आज इन द नेक्स्ट व्लॉग।